प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा के वीडियो के पार्ट वन में हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के हेल्प से मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सीखे थे, ओके। आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए पिछले वीडियो में क्या सीखे थे, पिछले सेशन में हम लोग देखे थे कि अगर एफ एक्स होता था हमारे पास, फिर एफ डैश एक्स निकालते थे, फिर साइन स्कीम ड्रॉ करते थे हम लोग, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, ओके, ऐसा ड्रॉ करते थे। अगर पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज कर रहा हो तो ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, फिर डिक्रीज कर रहा हो फिर ये इंक्रीज कर रहा हो तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा, फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज करे तो फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो एक से ज़्यादा मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम बताए थे कि अगर आप साइन स्कीम ड्रॉ करते हो और साइन स्कीम में साइन चेंज ना करें, ठीक है, तो हम बताए थे कि ग्राफ अपना कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिविटी चेंज करता है, जैसे इस फॉर्म को देख सकते हैं हम लोग, तो ये कहलाता था हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, क्या कहलाता था हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक दूसरा प्रोसेस देखते हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है हम लोगों को, मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स टेस्ट, ओके। देखिए क्या कहता है, सपोज दैट, पहले हम एक क्वेश्चन से समझाना चाहते हैं, अच्छा चलिए पहले हम प्रोसेस को देखते हैं क्या कहते हैं, स्टेप वाइज देखिए क्या होता है हमारा प्रोसेस, ठीक है ना, स्टेप वाइज हम लोगों को करना क्या है। अगर एफ एक्स है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, अगर एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है, वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है, ओके, फिर क्या करना है, ध्यान रखिएगा, फिर अगेन पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ओके, इसी का दूसरा नाम होता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम भी होता है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, टर्निंग पॉइंट, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, ये सारे नाम है, ठीक है ना, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ये सारा फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी फाइंड बाय एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो को पुट करके, ठीक है। अब सपोज दैट, मान लीजिए कि इफ वी पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वी गेट एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरह से फाइंड आउट आता है, करते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स, ओके। अब एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद अगेन क्या करना है हम लोग, एफ डबल डैश, ये जो क्रिटिकल पॉइंट जो निकाले हुए हैं इसमें वैल्यू रखना है, एफ डबल डैश अल्फा निकालेंगे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया, ठीक है, तो अल्फा कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, देन एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है।
अगर और अगर एफ डबल डैश अल्फा आपका लेस देन जीरो आ जाए देन एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तब अल्फा क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर एफ डबल डैश अल्फा अगर जीरो आ जाए, याद रखिएगा अगर ये जीरो आ जाए तो देन वी हैव टू फाइंड, ध्यान रखिएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या निकालना है, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है। अब देखिएगा इफ एफ ट्रिपल डैश अल्फा, ठीक है ना, एफ ट्रिपल डैश अल्फा अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए देन अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कैसा वाला इन्फ्लेक्शन जल्दी से बताइए, तो जो हम लोग देखे थे क्या, जल्दी से बताइए कहाँ, देन अल्फा इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दैट इज ग्राफ विल चेंज, दैट इज ग्राफ विल चेंज इट्स कॉनकेविटी, इट्स कॉनकेविटी और कॉन्वेक्सिविटी, ठीक है। ग्राफ अपना कॉनकेविटी या कॉन्वेक्सिविटी चेंज करेगा, दैट इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, तो ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब देखिएगा अगर इसके दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं कि और अगर एफ ट्रिपल डैश अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो आ जाए देन वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एफ फोर डैश एक्स, एफ फोर डैश एक्स फाइंड आउट करना है। अब क्या करना है कि एफ फोर डैश एक्स जब निकाल जाएंगे तो इसमें अल्फा रखेंगे, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ, जल्दी से बोलिए, पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमा या मिनिमा, मिनिमा। अगर उसी तरह से अगर एफ फोर डैश अल्फा अगर लेस देन जीरो हो जाए तो एक्स इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। फिर देखिए अगर एफ फोर डैश अल्फा अगर आपके बराबर जीरो आ जाए तब क्या होगा, देन वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एफ क्या हो जाएगा, फाइव डैश एक्स। फिर उसी तरह से इफ इफ अगर आपका एफ फाइव डैश एक्स ये अगर फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी अल्फा अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो एक्स इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ क्या, जल्दी से बोलिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अगर एफ फाइव डैश अल्फा अगर इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो देन फाइंड एफ सिक्स डैश एक्स, ठीक है। फिर इसी तरह से चेक करते रहेंगे हम लोग, आ रही बात समझ में, तो इतना दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम जो बता दिए आपको कि पहले फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फिर फोर्थ ऑर्डर, तो इतना दूर नहीं जाएगा क्वेश्चन। मैक्सिमम हमको लगता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एफ दूसरा फेज में एफ डैश एक्स, तीसरा फेज में एफ डबल डैश में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा स्टेप क्या कहता है,
हम फिर से बता रहे हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना होगा। पहले फंक्शन होगा f फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद क्या होगा f डैश, ठीक है। f डैश निकालने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, जीरो। f डैश जब जीरो करेंगे तो यहां से होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आता हमारे पास, या पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, या बोल सकते हैं और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है। चलिए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम आ गया, फिर क्या करेंगे हम लोग, एफ डबल डैश में चेक करना है, ठीक है। एफ डबल डैश में क्या करना है, चेक करना है। अगर ये एफ डबल डैश अल्फा मान लीजिए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम रहा हो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा, है ना। अगर ये एफ डबल डैश अल्फा आपका लेस देन जीरो होगा तब क्या दे देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर एफ डबल डैश अल्फा अगर जीरो आ गया क्या करेंगे, अब फिर अगर एफ डबल डैश अल्फा जीरो आ गया तो हमारे पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड आउट किए तो अगर ये एफ ट्रिपल डैश अल्फा अगर ये जीरो आ गया क्या जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद रखिएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अगर इत्तेफाक से क्या हो जाए कि एफ ट्रिपल डैश अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, अगर ये एफ ट्रिपल डैश अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हो तो क्या करेंगे, एफ फोर डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे हम लोग, एफ फोर डैश एक्स निकालेंगे तो क्या चेक करेंगे, एफ फोर डैश अल्फा अगर ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा। फिर अगर इसी का दूसरा सिचुएशन बनता है कि एफ फोर डैश अल्फा अगर लेस देन जीरो हो जाए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर इसी का तीसरा सिचुएशन बनता है कि अगर एफ फोर डैश अल्फा अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो जाए तब फिर क्या करना पड़ेगा, तब फाइंड एफ फाइव डैश एक्स, ठीक है। फिर उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो इसके आगे के सिचुएशन को आप लोगों को लिखना है। तो देखिए यहां से एक बात समझ के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट, और मिनिमा पॉइंट इज डिसाइडेड बाय एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड द फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, द फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम इज डिसाइडेड बाय इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, बाय इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से, इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से, ठीक है। तो किससे डिसाइड होगा, तो एफ डबल डैश एक्स से डिसाइड हो सकता है, या फिर एफ फोर डैश एक्स से डिसाइड हो सकता है, या फिर एफ सिक्स एक्स डैश से डिसाइड हो सकता है। जब भी डिसाइड होगा तो इवन ऑर्डर वाले से डिसाइड होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इफ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इफ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट जीरो, अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो नहीं हो, इफ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट जीरो देन फंक्शन
हैज नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, नो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मतलब क्या हुआ इसका कि उसका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स नो मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, आ रही बात समझ में? फिर देखिए, अगर इसी में याद रखिएगा एंड, ठीक है, इफ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो, इफ ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव इज जीरो, ठीक है, देन वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, द इवन ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके, टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब बात समझ में आ चुका है कि मैक्सिमा या मिनिमा का डिसीजन हमारा जब भी होगा तो इवन ऑर्डर डेरिवेटिव से होगा। ये गांठ बांध लीजिए आप मन में, जब भी डिसाइड होगा मैक्सिमा या मिनिमा तो इवन ऑर्डर वाले से होगा। अगर इवन ऑर्डर वाला जीरो आ जाए तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर ऑड ऑर्डर वाला जीरो आ गया तो नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, अगर ऑड ऑर्डर वाला नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो क्या करेंगे जल्दी से बताइए, तो वो हो जाएगा नॉट पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। आ रही बात समझ में? दैट मीन्स एफ एफ एक्स हमारे पास, एफ एक्स से निकले एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो किए, ठीक है, यहां से आ गया हमारे पास कुछ वैल्यू, सपोज दैट क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू अल्फा आ गया, तो अब यहां से क्या करेंगे एफ डैश अल्फा चेक करेंगे, ठीक है, एफ डैश अल्फा ग्रेटर देन जीरो तो वैल्यू पता चल जाएगा मैक्सिमा या मिनिमा, लेस देन जीरो तो भी वैल्यू पता चल जाएगा, अगर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तब क्या करेंगे एफ ट्रिपल डैश अल्फा में रखेंगे, एफ ट्रिपल डैश अल्फा अगर क्या जाए जीरो तब क्या करेंगे जल्दी से बताइए, तब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये एफ ट्रिपल डैश अल्फा अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तब यहां से क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाए तो फिर एफ फोर में आना है, एफ फोर अल्फा चेक करेंगे, फिर अगर ये ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो या इक्वल टू जीरो आ गया, अगर ये इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो फिर ये कहानी आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर क्या करेंगे एफ फाइव, ओके, एफ फाइव अल्फा निकालेंगे, अगर ये एफ फाइव फिर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या होगा कहानी खत्म, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। अगर फिर ये एफ फाइव अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब क्या करेंगे फिर एफ सिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा तो हमारा इवन ऑर्डर देगा, फिर ये अल्फा निकालेंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो तो क्या होगा मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा, इक्वल्स टू जीरो आ जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि वर्क कैसे करता है ये, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 15, ठीक है, इसका हम लोगों को मैक्सिमा या मिनिमा बताना है क्या होगा। तब देखिए, तो सिंस f डैश x निकालना है सबसे पहले, तो f डैश x निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है, f डैश x के बाद हम लोगों को तो f डबल डैश x का जरूरत पड़ेगा, तो f डबल डैश x नहीं निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 12, ठीक है। अब देखिए, 4 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, 4 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम क्या करना पड़ेगा f डैश x इज इक्वल्स टू जीरो, तो जब f डैश x जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 3 आ रहा है हमारा इससे कॉमन, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू जीरो, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू जीरो, तो देयर फोर एक्स इक्वल्स टू 1 और 3 ऐसा होगा। अब देखिए, अब ये 1 और 3 आया है तो सबसे पहले हम लोग f डबल डैश 1 चेक करते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस 12,
सिक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू माइनस सिक्स लेस देन जीरो, दैट इज क्या हो जाएगा इसका मतलब, दैट इज एक्स इक्वल्स टू वन इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा इसका एफ वन। एफ वन जब निकालेंगे तो जहां हमारा एक्स है इसके जगह वन रखेंगे, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन का क्यूब माइनस सिक्स इंटू वन का स्क्वायर, देख रहे हैं आप, अब प्लस नाइन इंटू वन प्लस फिफ्टीन। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस सिक्स प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन, ठीक है। तो 25 माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, 19 इसका मैक्सिमम वैल्यू है। फिर देखिए एंड एफ डबल डैश, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 3, तो एफ डबल डैश 3 निकाल रहे हैं, 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एफ डबल डैश क्या है, सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व, तो क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 3 माइनस ट्वेल्व, 18 माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएगा 6, ग्रेटर देन 0, तो देयर फोर x इक्वल्स टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका f 3। जब f 3 निकालेंगे तो एफ एक्स के जगह वैल्यू पुट अप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब, ध्यान रखिएगा 3 क्यूब माइनस सिक्स इंटू थ्री स्क्वायर, ठीक है, प्लस नाइन इंटू थ्री, प्लस नाइन इंटू थ्री प्लस 15 ऐसा होगा। तो इसको जब सॉल्व करें कितना जाएगा, 27 माइनस 54 प्लस 27 प्लस 15, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या जाएगा, 15। दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका हमारा, 15 मिनिमम वैल्यू 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आप लोगों को बनाना है। एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है आपके पास 3/4 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 9x² प्लस 7, ओके। अब आपको बताना है कि इसका मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी क्या है, ठीक है। आशा करता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस चार्ट को देखिए, हम दोबारा बताए हैं, ये जो देख रहे हैं इस चार्ट को, ठीक है, देखिए यहाँ बताए, इसी चार्ट को हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि एक जगह सारा चार्ट लिखा हुआ है, आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखिए, सारा एक जगह है, ठीक है, देखिए सारा एक जगह देखिए लिखा हुआ है। फिर देखिए हम उसी चीज को यहाँ भी बताए हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ग्राफ को दिखाएंगे, दैट मीन्स कुछ टाइप ऑफ फिगर को बताएंगे जो हम लोगों को सवाल को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।